नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पोर्ट टिप्स पे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पायलट बनने के लिए क्या क्या करें और कैसे आप पायलट बन सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं कि अगर आप निपसा आइडिया टेक्नोलॉजी बेसिक मेकिंग हेल्थ टेक पर बनना जानना चाहते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बचपन में हम सब बड़े बड़े ख्वाब देखने लग जाते हैं, और आपने भी देखे होंगे दोस्तों, मैंने भी देखे हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर और कोई पायलट। और दोस्तों, पायलट बनना एक जुनून होता है। वैसे भी आसमान में उड़ना कौन नहीं चाहेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका करियर आसमान की ऊंचाइयों में बने तो इस वीडियो को पूरा देखें। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, कैसे पायलट बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या करें। दोस्तों, पायलट बनने के लिए आपको सबसे पहले बहुत ज़्यादा अच्छे नंबरों से 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ पास करना होती है। अगर आप 12th क्लास PCM से पास हैं और आपकी उम्र 16 वर्ष है, उससे कम है, साथ ही आप शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट हैं, तो आप इसके लिए योग्य हैं। आपको इसके बाद स्टूडेंट पायलट लाइसेंस और प्राइवेट पायलट लाइसेंस लेना होता है। स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, दोस्तों इसके लिए आपकी उम्र 16 वर्ष तक होनी चाहिए, आपने 12th मैथ के साथ की होनी चाहिए। स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए आपको किसी भी फ्लाइंग क्लब, जो कि DGCA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त हो, में एडमिशन लेना होगा। आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम से गुजरना होगा, जिसकी तैयारी के लिए आपको कोचिंग आदि की जरूरत पड़ सकती है। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद आपको मेडिकल टेस्ट देना होगा। इसके अलावा आपका बैंक रिकॉर्ड भी अच्छा होना चाहिए और सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना होगा। इन सभी शर्तों को पूरा करने के बाद आपको स्टूडेंट पायलट लाइसेंस मिल जाता है। स्टूडेंट पायलट लाइसेंस लेने के बाद आपको फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की देख रेख में निर्धारित उड़ान निर्धारित समय 12 माह में पूरी करनी होती है। यदि आप ये पूरी कर लेते हैं तो आपको प्राइवेट पायलट लाइसेंस लेना होता है। पायलट बनने के लिए एडमिशन यहाँ से ले सकते हैं, गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल बेंगलोर, इंडियन एविएशन एकेडमी मुंबई, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी बरेली, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ एविएशन न्यू दिल्ली आदि में आप एडमिशन ले सकते हैं। प्राइवेट पायलट लाइसेंस, एक बार जब आप स्टूडेंट पायलट लाइसेंस की ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं तो आपको प्राइवेट पायलट के लिए एग्ज़ाम देना होता है, जो कि पिछले एग्ज़ाम से ज़्यादा सब्जेक्ट का होता है और ज़्यादा उड़ान पूरी करनी होगी। जब आप इसे भी पार कर लेते हैं तो आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है, जो कि आपको पिछले रिकॉर्ड और एक्सपीरियंस के अलावा कुछ अन्य टेस्ट देने के बाद आपको मिल जाता है, और आप पायलट बन कर किसी प्राइवेट कंपनी या सरकारी विमान उड़ाने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई वीडियोस के अपलोड की जानकारी आपको मिलता रहे। जिन्होंने पहले से चैनल सब्सक्राइब कर लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।